भारत के जाने माने एवं सबसे लोकप्रिय बिजनेसमैन रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर को देहांत हो गया और यह पंचतत्व में विलीन हो गए। 9 अक्टूबर देर रात को करीब 11 बजे यह खबर सामने आई कि टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी ने दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद 10 अक्टूबर को देश के सभी लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि हमने भारत के एक ऐसे अनमोल रत्न को खो दिया है जिसे हम लोग कभी अनजाने में भी खोना नहीं चाहते थे। फिलहाल जैसे तैसे करके लोगों ने नम आंखों के साथ 10 अक्टूबर को महान व्यक्तित्व रखने वाले रतन टाटा जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। लेकिन यह घटना लोगों के सामने एक नया सवाल खड़ी करके चली गई कि आखिरकार टाटा समूह की लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है, इसका वारिस कौन बनेगा और किसे इन सब का मालिकाना हक और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और नई मुसीबत इसलिए आ गई है क्योंकि रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए ना तो उनके कोई लड़के बच्चे थे और ना ही उनकी पत्नी। और आज की इस वीडियो में इसी गहमा गहमी के बीच हम इन सवालों के जवाब लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आखिर रतन टाटा की कुल संपत्ति कितनी है और उनके बच्चे और पत्नी न होने के कारण इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी जो करोड़ों की संपत्तियों का मालिक बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में रतन टाटा जी के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं जरूर करें। और आप लोग हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरअसल भारत में और दुनिया भर में कई उद्योगपति ऐसे हैं What was most amazing was to see so many senior Godrej leaders come out and lead the way as pride marshals. These are MDs of companies, heads of HR, heads of marketing, just senior leaders at all our Godrej Group companies. And I'm so proud of that because it means that they're committed to inclusion. It's not just something they do in Pride Month, it's something that they do all year round as allies. जिनका व्यापार देश विदेश में फैला हुआ है, जो कि अरबपति हैं और दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम गिना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा की गिनती भले ही अरबपति की बजाय करोड़पति में ही की जाती है, लेकिन दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनकी लोकप्रियता रतन टाटा के बराबर होगी। और शायद ही किसी उद्योगपति को रतन टाटा के जितना प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। और इसका नमूना हमने पिछले दिनों उनकी श्रद्धांजलि में देखा, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी तक श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे और इन सभी की आंखें नम थीं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम और आप लोग इसे लाइव देख रहे थे, तब हम लोगों की भी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि हमने ऐसे उद्योगपति को खो दिया जो कि हमारे लिए मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त थे। लेकिन रतन टाटा जी के द्वारा भारत माता की इस पावन धरती को छोड़कर चले जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उनकी संपत्तियों का वारिस कौन बनेगा, जो कि करीब 34 लाख करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह के कारोबारी साम्राज्य के मैनेजमेंट में उनकी जगह पर कमान संभालेगा। क्योंकि रतन टाटा जी ने अपने जीवन में काफी सारा काम किया और यह लोगों के दिल पर राज करते हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन ये जीवन में एक ही काम नहीं कर पाए और वह थी शादी। रतन टाटा का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें शादी करके घर बसाने का शौक नहीं था, बल्कि ये भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इन्हें जीवन में लगभग 4 बार प्यार भी हुआ था, लेकिन किसी कारण बस इनकी शादी नहीं हो पाई, जिसके कारण तमाम लोग अलग अलग तरीके से कई लोगों की अटकलें लगा रहे हैं जो कि टाटा समूह की संपत्ति के मालिक बनेंगे और उनकी कमान संभालेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि रतन टाटा जी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद साल 2017 में, यानी कि आज से लगभग 5 साल पहले ही यह प्लान बना लिया था कि उनके ना रहने के बाद टाटा समूह का वारिस कौन बनेगा। हालांकि समस्या वाली बात यह है कि ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि रतन टाटा ने इसका प्लान पहले से ही बनाकर तैयार किया था।
क्योंकि जो व्यक्ति देश दुनिया में इतनी ज्यादा कंपनियों को चला रहा है और हमेशा ही जीवन में सबसे सफल रहा है, वह अपने गुजरने के बाद लोगों के लिए नई समस्या खड़ा करके चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए रतन टाटा जी ने साल 2017 में ही इन सब की तैयारी कंप्लीट कर ली थी कि आखिर उनके गुजरने के बाद टाटा समूह की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि देखा जाए तो रतन टाटा के पास कोई एक दो कंपनियां नहीं थी, बल्कि टाटा समूह के तहत आने वाली कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कुल 29 कंपनियां हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा की संपत्ति इससे भी कई गुना ज्यादा होती और उनकी गिनती एशिया के अमीर उद्योगपतियों में की जाती, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा परोपकारी ट्रस्टों में समाज कल्याण के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति सीमित है और वह अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं होते। यानी वह सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि मानवीय मूल्यों के एक जीवंत प्रतीक और एक आदर्श व्यक्ति थे, जो परोपकार और पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। इसीलिए महान उद्योगपति रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए थे, और इसमें सबसे ज्यादा रतन टाटा जी के करीबी झलक देखने को मिली शांतनु नायडू की, जिनकी उम्र लगभग 31 साल है। और यह वही शांतनु नायडू है जिन्हें रतन टाटा जी की करोड़ों संपत्तियों का वारिस बनने की बात कही जा रही है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि वाकई में इसकी जो सच्चाई है वह इससे बिल्कुल अलग है, और रतन टाटा जी की संपत्ति का बारिश शांतनु नायडू नहीं बल्कि कोई और बनेगा। तो आखिरकार यहाँ पर शांतनु नायडू की ही चर्चा क्यों हो रही है और इन्हें वारिस के रूप में क्यों माना जा रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट के युवा जनरल मैनेजर शांतनु नायडू को रतन टाटा ने अपना सबसे करीबी मित्र माना है और इनके साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार किया है। और यह रतन टाटा जी के इतने करीबी थे कि इनसे ज्यादा गहराई से रतन टाटा जी को कोई और नहीं जानता था। हालांकि रतन टाटा जी ने नायडू जी को वारिस होने का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं छोड़ा है। यहाँ पर केवल लोगों के द्वारा अटकलें लगाई जा रही है कि शांतनु नायडू को इसका बारिश होना चाहिए, क्योंकि टाटा समूह की आर्थिक विरासत को यह बहुत आगे ले तक ले जा सकते हैं। फिलहाल ये लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वह ये है कि टाटा ग्रुप ने रतन टाटा जी के रहते हुए पहले ही उत्तराधिकार की योजना तैयार कर ली थी। इसीलिए रतन टाटा की परमिशन से एन चंद्रशेखरन 2017 से होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे, और इनके परिवार के अन्य सदस्य व्यवसाय के अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और यही लोग फ्यूचर के लीडरशिप के लिए संभावित उम्मीदवार हैं। आगे चलकर अलग अलग कारोबार को लेकर उनके परिवार के लोगों द्वारा ही लीडरशिप की भूमिका निभाने की उम्मीद है, क्योंकि यह जानकारी टाटा वेबसाइट द्वारा इकट्ठा की गई है, जिससे यह बात मालूम चली है कि टाटा की हिस्सेदारी के मामले में टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा ग्रुप के कंपनी की हिस्सेदारी केवल 13% है, और वर्कर्स के फैमिली की हिस्सेदारी भी मात्र 19% के आसपास है। यानी कि टाटा में जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वह टाटा ट्रस्ट की है। और ऐसे में यह बात सामने निकल कर आई है कि टाटा ट्रस्ट की जो लीडरशिप है उसको पिछले कई सालों से टाटा फैमिली के लोगों द्वारा ही संभाली जा रही है, जिसके मुताबिक सौतेले भाई नोएल टाटा चेयरमैन पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार है, और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चे आगे चलकर विरासत को आगे बढ़ाएंगे, और यही उम्मीद पूरी तरह से ठीक साबित हो रही है। और आप लोग रतन टाटा जी को कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि देकर इनके गुजरने के बावजूद भी पल को यादगार बनाइए, क्योंकि हमने भारत के एक अनमोल रत्न को खो दिया है। और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।